1, 2, 3. तो ये तो सो ही गया है, इसको मैं ये। हेलो गाइस, आज अपन एक लेके आए हैं जिसको बोलते हैं बिच्छू। बिच्छू को बोलते हैं इंग्लिश में स्कॉर्पियन। तो इसको लेके आए हम, और इसका पॉइजन ये वेनमस होता है। तो इसके डंक से कितना इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी पर, उसका टेस्ट करेंगे। इसको देख सकते हो आप। तो आइए आज अपन इसको अपने हैंड पर स्टिंग करवा के देखते हैं। तो इसका वेनम, बताया जाता है कि इसका वेनम डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो आज पता चलेगा कि स्कॉर्पियन का वेनम कितना डेंजरस होता है। अपने हाथों पर आपके कैमरे के सामने ट्राई करेंगे। तो गाइस, मैं हूँ अजय आवासे। आज अपन देखेंगे स्कॉर्पियन का वेनम। तो क्या होता है जब बिच्छू अपने हाथ में डंक कर लेता है या काट देता है, तो इससे आज पता करेंगे कि अपने हाथ में क्या होता है, इसका वेनम कितना इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पर। तो इससे फर्स्ट सिम्टम्स ये होता है कि अगर कहीं पर भी अगर कुछ भी काम करते वक्त पत्थरों के बीच मिलता है, ये पत्थरों के नीचे ही रहता है ज़्यादातर बड़े बड़े, तो अगर आपको बाइट कर दे तो फर्स्ट सिम्टम्स ये होता है, रेडनेस, स्वेलिंग, और आपको चक्कर भी आ सकते हैं, झंझनाहट भी हो सकती है। तो इस टाइप से होता है। और कुछ लोग और बच्चे और बूढ़े में, बच्चों के लिए ये बहुत डेंजरस होता है, बच्चों को बेहोश कर सकता है, और बूढ़ों की भी अगर हार्ट में प्रॉब्लम होगी तो उसको बढ़ा सकता है। लेकिन एडल्ट में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती इससे। कुछ इसका पॉइजन ऐसे लगता है जैसे कि बॉडी में कोई एसिड वाला इंजेक्शन लगा दिया है, उससे जो नसों में दौड़ता है उस टाइप से एकदम करंट टाइप इसका वेनम का इफेक्ट रहता है। तो आज क्या होता है इसके वेनम से, तो आज ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, अभी टाइम आ गया है आज इसका प्रैक्टिकल करने का। ये है अपने पास स्कॉर्पियन, जिसको बोलते हैं हिंदी में बिच्छू। तो इसकी लगभग 25 ऐसी प्रजाति होती है जो वेनमस होती है, जो ह्यूमन के लिए हानिकारक होती है। तो जिसमें से एक इंडियन है, इंडियन एक ब्लैक वाला है जो डेंजरस होता है, और रेड वाला कम होता है। इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता, 2-3 दिन इफेक्ट रहता है। तो इसका अभी ट्राई करेंगे। और इसके देख सकते हो इसके 8 लेग्स होते हैं, और लास्ट होता है इसके टेल, इसके टेल पर होता है इसका वेनम, जो वेनम एक कांटेदार होता है। झूमिन, ये इसका ये कांटेदार दिख रहा है पीछे, टेल के पीछे इसमें वेनम रहता है, इसी के थ्रू ये बाइट करता है। इसके हाथों में पैरों में कोई वेनम नहीं होता है। तो फर्स्टली अभी ट्राई करेंगे, और इससे मेरी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो ट्राई करेंगे। तो गाइस, अभी मैं रेडी हूँ इसका डंक लेने के लिए, इसके स्टिंग, इसको वो इंग्लिश में बोलते हैं स्टिंग, स्कॉर्पियन का स्टिंग अभी अपने हाथ पर लूँगा। और अभी थोड़ा डर भी लग रहा है, तो अभी फर्स्टली इसको थोड़ा, ये डायरेक्ट नहीं काटता है, इसको कोई भी जैसे कोई प्रॉब्लम हुई इसको या कोई डेंजरस लगा तो उसको बाइट करता है। तो मैं फर्स्टली अभी बाइट करवा रहा हूँ। 1, 2, 3। तो ये तो सो ही गया है, इसको मैं ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ चढ़ रहा है मेरे अंदर, कुछ घुस गया है। ये रहा, ये जा रहा है, और ये देखो मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर बाइट किया है मेरे इस एरिया पर, तो कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ पकड़ के रखा है। तो दोस्तों, कुछ इस टाइप से लग रहा है, कुछ पकड़ के रखा है और ऊपर जा रहा है मेरे इस हाथ में, एकदम पेनफुल हो गया है। ये देख सकते हो रेडनेस स्टार्ट हो गया है, या स्वेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो कितना डेंजरस है देख सकते हो, ये जा रहा है, इसको देख सकते हो, ये रहा, ये थोड़ा रेड टाइप ही है। तो ये देखो स्वेलिंग स्टार्ट हो गई है, एकदम ऐसे लग रहा है कोई एसिड वेसिड इसमें इंटर कर लिया हो हमने, इस टाइप से लग रहा है। और एकदम जैसे बोलते हैं ना, कुछ चीज चढ़ रही हो करंट टाइप, तो उस टाइप से जा रहा है मेरे नसों के अंदर, कुछ ऐसा लग रहा है, इस टाइप से फील लग रहा है। तो फर्स्टली मैं ट्राई करूँगा
अभी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, अभी देखता हूँ क्या होता है। अभी रेडनेस और स्वेलिंग स्टार्ट होगी लगभग 15 से 20 मिनट में। देख सकते हो कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ पकड़ के रखा हुआ है, इस एरिया में बाइट किया है। तो दोस्तों इस एरिया में बाइट किया है मेरा, और कभी आप घर पर ट्राई ना करें क्योंकि एकदम डेंजरस है। ऐसे नहीं कि आपको लगा कि कोई चीटी वीटी काट दी और कुछ फर्क ना पड़े। इसका ऐसा काम है कि जैसे ही बाइट किया है वैसे ही करंट टाइप ऐसे चढ़ने लगता है ऊपर टाइप, जैसे मेरे हाथ में इसमें चढ़ने लगा है। अभी भी जा ही रहा है, एकदम जकड़ के रखा हुआ है। बाइट कर दे तो आप लोग हॉस्पिटल में जाए और एंटी वेनम ले, जैसे कि मेरे को भी लेना पड़ सकता है। अभी तो स्वेलिंग होगी और इसमें रेडनेस हो रहा है और एकदम पकड़ के रखा हुआ है करंट टाइप। तो देख सकते हो कुछ ऐसा इफेक्ट होता है अपने स्कॉर्पियन बाइट का। तो देख सकते हो ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है मेरे को, लेकिन एक तरफ से वो खींच रहा है मेरे नसों को एकदम इस साइड में। तो देखते हैं, आप देख सकते हो जूम इन, सी दिस एरिया, ये हल्का हल्का रेड होने लगा है और सूजन आ गई है। तो देखो ये प्लेन है, इस एरिया में बाइट किया था इसने, और आपको ये लग रहा होगा इसका जो कांटेदार डंक है वो उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें बहुत कुछ है। जब हल्का सा वन बाइट भी होगा तो तब पता चलेगा। ये स्टिंग बोलते हैं इसको। एकदम अभी स्टार्टिंग के 5 मिनट तो एकदम जा ही रहा था, अभी एकदम थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। थोड़ा हैंड को हिलाता हूँ। ये अगर पल्मोनरी जो जिसको बोलते हैं ना कि ब्लड सप्लाई होता है जिससे हार्ट में प्यूरिफाई होके बॉडी में वापस जाता है, उस वॉल्व में गया तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। उसके अंदर जाने के बाद हार्ट में जाएगा और जान भी ले सकता है इस टाइप से। लेकिन ये ज़्यादातर जैसे बॉडी के मसल्स में ही रह जाता है इसका पॉइजन, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। अगर आपकी पल्मोनरी में गया तो फिर डेंजरस हो सकता है। तो अभी देखो अभी स्वेलिंग हो ही गई है, लगभग स्वेलिंग हो गई है। ये मेरी लाइफ में पहली बार है इसका डंक मेरी लाइफ में मेरे हाथों में मैंने ट्राई किया है। मेरे को कभी खेतों में गांवों में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है। आप देख सकते हो कोदा वीडियो कोदा जकड़ के रखा हुआ है। ये हैंड देखो और ये हैंड देखो, दोनों हैंड में फ़र्क देखो गाइस। यह इस हैंड को फ्रीली मैं मूव कर सकता हूँ, इस हैंड को पूरा ऐसे जकड़ लिया है देखो एकदम। ये देखो इसमें स्वेलिंग हो गई है लगभग, देखो स्टार्ट। तो गाइस फर्स्टली इससे इसका एक साइड इफेक्ट है, एक और है कि अगर ये बाइट करने से पहले आपका नॉर्मल बीपी चलता है और इसके जैसे स्टिंग होता है स्कॉर्पियन का, तो फिर आपका बीपी बढ़ सकता है ना, ऊपर नीचे हो सकता है। तो फर्स्टली मैंने ट्राई तो बिफोर तो नहीं किया, आफ्टर मैं अपना बीपी टेस्ट करता हूँ। बस बस ऐसे 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 ऊपर इस हाथ से तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मूव भी करने में बहुत पेन हो रहा है इसमें। तो मैं अपना बीपी टेस्ट करता हूँ कितना आ रहा है। इसमें घुसा, इसमें पीछे वाला, इसमें घुसा और फिर उसको पीछे ले जाना। मेरा हाथ मूव नहीं कर सकता हूँ, बहुत पेन हो रहा है इसमें। तो अपना बीपी टेस्ट करेंगे, अपना बीपी होता है 80 mmHg। तो पता करते हैं अपना पल्स रेट और बीपी, और पल्स रेट अपना 60 के समथिंग होता है। तो अभी पता चलेगा कितना आता है। हाँ बस लगा दिया। तो अपना डिजिटल बीपी मीटर है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ये बीपी मीटर को इधर देख सकते हो, हैंड में जैसे ये यहाँ से हवा से भर दिया है मेरे अंदर, तो पूरा मेरी नसों में कितना जा रहा है कितना आ रहा है वो नाप लेगा। तो ये एकदम फूल गया है, अभी पता कर लेंगे अभी कितना मेरा बीपी आ रहा है। लगभग कंप्लीट होने वाला है, ऊपर। तो दोस्तों इससे मेरा बीपी बढ़ता है क्या होता है पता करते हैं। ओ भगवान। तो
तो गाइस देखो मेरा बीपी कितना आया है, 120 होना चाहिए, वो 128 हुआ है, और जो 80 होना था, जो मेरा डायस्टोलिक है, डायस्टोलिक मेरा 107 आया है, जो कि 80 होना था 107 आया है, इतना फर्क पड़ा फर्क। और पल्स देखो 60 होना चाहिए, तो देखो मेरा 110 आया है पर मिनट, 60 होना चाहिए था, पल्स आया मेरा 110। आप देख सकते हो मेरे बीपी मीटर में, अगर 60 वाला 110 हो सकता है तो कितना फर्क पड़ता होगा एक स्कॉर्पियन बाइट स्टिंग पर, जो बिच्छू बोलते हैं जिसको, बिच्छू के बाइट पर 110, 60 वाला 110 हो गया है, उसके बाद अपना 80 वाला 107 हो गया है, और 120 वाला 128, तो इतना फर्क पड़ा मेरे बीपी पर। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बीपी टेस्ट हो गया है, आप देख सकते हो मेरे हैंड में, जूम इन, ये मेरा हैंड में देखो रेडनेस आ गई है, देख सकते हो रेडनेस और स्वेलिंग, और पूरा जकड़ के रखा हुआ है मेरा हाथ, मैं कुछ मूव भी नहीं कर सकता, और अगर मूव किया तो पेन हो रहा है। तो फर्स्ट इसको मैं वॉश कर लेता हूँ, इसको वॉश करना होता है फर्स्ट, उसके बाद मैं आइस क्यूब अप्लाई करूंगा, पेन तो हो ही रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर सिम बना आराम से स्टार्ट। तो गाइस फर्स्टली इससे इसका एक साइड इफेक्ट है, एक और है कि अगर ये बाइट करने से पहले आपका नॉर्मल बीपी चलता है, और इसके जैसे स्टिंग होता है स्कॉर्पियन का, तो फिर आपका बीपी बढ़ सकता है ना, ऊपर नीचे हो सकता है। तो फर्स्टली मैंने ट्राई तो बिफोर तो नहीं किया, आफ्टर मैं अपना बीपी टेस्ट करता हूँ, बस बस ऐसे 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 ऊपर, इस हाथ से तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मूव भी करने में बहुत पेन हो रहा है इसमें। तो मैं अपना बीपी टेस्ट करता हूँ कितना आ रहा है, इसमें घुसा, इसमें पीछे वाला, इसमें घुसा, और फिर उसको पीछे ले जाना, मेरा हाथ मूव नहीं कर सकता हूँ, बहुत पेन हो रहा है इसमें। तो अपना बीपी टेस्ट करेंगे, अपना बीपी होता है 120 mmHg, तो पता करते हैं अपना पल्स रेट और बीपी, और पल्स रेट अपना 60 के समथिंग होता है, तो अभी पता चलेगा कितना आता है। हाँ बस लगा दिया, तो अपना डिजिटल बीपी मीटर है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं, ये बीपी मीटर को इधर देख सकते हो, हैंड में जैसे ये यहाँ से हवा से भर दिया है मेरे अंदर, तो पूरा मेरी नसों में कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, वो नाप लेगा, तो ये एकदम फूल गया है, अभी पता कर लेंगे अभी कितना मेरा बीपी आ रहा है। लगभग कंप्लीट होने वाला है, ऊपर। तो दोस्तों इससे मेरा बीपी बढ़ता है क्या होता है पता करते हैं, ओ भगवान। तो गाइस देखो मेरा बीपी कितना आया है, 120 होना चाहिए, वो 128 हुआ है, और जो 80 होना था, जो मेरा डायस्टोलिक है, डायस्टोलिक मेरा 107 आया है, जो कि 80 होना था 107 आया है, इतना फर्क पड़ा फर्क। और पल्स देखो 60 होना चाहिए, तो देखो मेरा 110 आया है पर मिनट, 60 होना चाहिए था, पल्स आया मेरा 110। आप देख सकते हो मेरे बीपी मीटर में, अगर 60 वाला 110 हो सकता है, तो कितना फर्क पड़ता होगा एक स्कॉर्पियन बाइट स्टिंग पर, जो बिच्छू बोलते हैं जिसको, बिच्छू के बाइट पर 110, 60 वाला 110 हो गया है, उसके बाद अपना 80 वाला 107 हो गया है, और 120 वाला 128, तो इतना फर्क पड़ा मेरे बीपी पर। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बीपी टेस्ट हो गया है, आप देख सकते हो मेरे हैंड में, जूम इन, ये मेरा हैंड में देखो रेडनेस आ गई है,
देख सकते हो रेडनेस और स्वेलिंग, और पूरा जकड़ के रखा हुआ है मेरा हाथ, मैं कुछ मूव भी नहीं कर सकता, और अगर मूव किया तो पेन हो रहा है। तो फर्स्ट इसको मैं वॉश कर लेता हूँ। इसको वॉश करना होता है फर्स्ट। तो गाइस मेरे इस एरिया में बहुत बहुत पेन हो रहा है, इसको मूव करूँ तो बहुत पेन हो रहा है, और इसमें रेडनेस देख सकते हो, स्वेलिंग देख सकते हो। तो फर्स्टली इसमें मैं आइस क्यूब लेके आया हूँ, तो अप्लाई करके देखता हूँ कितना इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको आराम चाहिए, आपको अगर पेन हो रहा हो, तो आप आइस क्यूब अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ट्रीटमेंट यही है, उसके बाद ही कोई दूसरा ट्रीटमेंट ले। इसको मैं अपनी इसके साथ भी अप्लाई करूँ तब भी फायदा है। तो गाइस आप कभी ट्राई ना करें, इससे बहुत सारा पेन होता है और मुझे हो ही रहा है, आप देख सकते हो। आइस क्यूब अप्लाई करूंगा, उसके बाद मेरे पास पोविडॉन ऑइंटमेंट लेके आया हूँ, जिससे कि मेरा एंटीसेप्टिक है ये, तो काम करेगा और सेफ्टी प्रोवाइड करवाएगा मेरे इस इंफ्लेमेशन एरिया पर। बॉडी का फर्स्ट काम होता है कोई भी अदर पार्टिकल, जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी बाइट होता है, या फिर कोई चोट भी लगती हो, तो बॉडी का काम होता है एक इंफ्लेमेशन बोलते हैं। इंफ्लेमेशन बोले तो रेडनेस स्वेलिंग, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक ऐसा काम करता है कि रेडनेस स्वेलिंग इसलिए लाता है क्योंकि कोई पार्ट आया है बाहर का, या कोई भी वेनम आया या कोई बैक्टीरिया आया, उसको किल करने के लिए वो रेडनेस और स्वेलिंग, और किसी किसी को फीवर आ जाता है। फीवर इसलिए आता है क्योंकि वो उसको किल करना चाहते हैं, जो अदर जो पार्टिकल्स है ना, जो बैक्टीरिया वायरस, उसको किल से करने के लिए, या कोई भी बग्स होगा उसको किल करने के लिए वो बॉडी को हीट करता है। ये होता है रेडनेस स्वेलिंग का मतलब, ये होता है कि कोई भी अदर पार्टिकल से है, जो भी है, उसको डिस्ट्रॉय करना। तो इसका भी बॉडी का काम है, जैसे मेरे अंदर स्टिंग हुआ है स्कॉर्पियन का, तो इसका जो वेनम है उसको बाहर निकालने का बॉडी काम करेगी। जो वेनम अगर मेरी बॉडी में रहा तो बहुत नुकसान देगा, तो इसको रिमूव करेगी धीरे धीरे रेडनेस स्वेलिंग के थ्रू, इसको रोकेगी मेरी बॉडी में स्प्रेड होने से। यही होता है, बहुत पेन हो रहा है। तो गाइस देख सकते हो स्वेलिंग कितनी हुई है, अगर मैं नॉर्मल हैंड को भी करता हूँ तो देख सकते हो इस टाइप से स्वेलिंग हुई है इस एरिया में। इसके बाद अप्लाई कर लिया हूँ मैं। तो गाइस इसको मूव करने पे कुछ करंट टाइप जैसे मूवमेंट होता है ना, एकदम स्प्रेड हो रहा है यहाँ पर। इसको मूव अगर करूँ हल्का सा भी, इस टाइप से पेन हो रहा है, एकदम सुन्न पड़ गया है मेरा हाथ। अब पता चल रहा है इसका पेन कितना होता है। तो गाइस मेरे देखो इस हैंड के इस एरिया में बाइट किया है, स्टिंग किया था बिच्छू, तो एकदम मेरा हाथ तो सुन्न पड़ा हुआ है, ये देख सकते हो। मैं इसको देखो, इसको ऐसे कर सकता हूँ, और इस हाथ को देखो, तो इस टाइप से ये एकदम सुन्न पड़ा हुआ है मेरा हाथ। इसको मूव भी नहीं कर सकता हूँ, ड्राइविंग नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको भी बाइट करे तो आप ट्रीटमेंट ले एंटी वेनम। तो गाइस मेरा हैंड तो एकदम सुन्न पड़ा हुआ है, इसको मूवमेंट भी नहीं कर सकता हूँ। देखो इस हैंड को देखो और इस हैंड को देखो, ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, और इस हैंड को देखो, इतना इफेक्ट एकदम रेडनेस हो गया है। देखो तो मैं अभी अप्लाई करूँगा, ओमनीजेल लेके आया हूँ, शायद काम करे। डाइक्लोफेनाक जेल लाना था लेकिन मैं ओमनीजेल ले आया इसकी जगह, वैसे तो डाइक्लोफेनाक ही है इसमें भी, तो पेन किलर का तो काम करेगा ही। तो ये मैं फर्स्टली अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास इजीली यही अवेलेबल था तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। आप भी यूज़ कर सकते हो अगर पेन हो तो। देखो पेन हो रहा था एकदम, कितना अच्छा काम कर रहा है अपना ओमनीजेल बोलते हैं जिसको, ओमनीजेल ये देख सकते हो इसका जेनेरिक नेम।
मैं तो जेनेरिक ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ये पोविडन ऑइंटमेंट लेके आया हूँ, इसको भी अप्लाई करूँगा एंटीसेप्टिक के रूप में। तो देखो अगर इसको मैंने अप्लाई किया तो एकदम पेन चला गया, तब भी हो रहा है मोमेंट पर हो रहा है पेन, लेकिन पेन गया। तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही तो हॉस्पिटल जाओ और डॉक्टर को दिखाओ। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही पेनफुल था और अभी मेरे पास कुछ बिच्छू है तो इनको भी मैं ट्राई करूँगा और इनका भी इनके भी फाइट और कुछ करके देखूँगा, तो ये इनके अगले वीडियो दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बहुत पेन हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।